हाय एवरीवन, जितना वेदर अच्छा है, सराउंडिंग अच्छी है, उतनी अच्छी गाड़ी भी है, क्योंकि किया सेल्टोस जो लुक्स के मामले में बहुत अच्छी है, 2021 का HTK प्लस डीजल का वेरिएंट है गाड़ी का, और जो इंजन स्पेसिफिकेशंस है सेम है जो कि क्रेटा में आती हैं, यानी पार निकाल देती है लगभग 113-115 BHP, और जो टॉर्क है 250 Nm का, जो कि सारी चीज़ें लगभग क्रेटा से सारी मिलती जुलती हैं। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 190 mm का है, गुडियर के जो है टायर्स गाड़ी के अंदर है, एंड HTK प्लस में भी ऑल फोर डिस्क ब्रेक है गाड़ी के अंदर, टायर सेक्शन है 205/65R16, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि इसमें ऑल फोर डिस्क ब्रेक है। अब जो बूट है गाड़ी का वो भी सेम 433 liters का आता है। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी गाड़ी में वो ये है कि एकदम फ्लैट है, कोई इसमें वो नहीं है आपको कि लोडिंग लिप मिलेगा, वो भी हालांकि सेगमेंट की गाड़ियों में किसी में भी लोडिंग लिप आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। एक और चीज़ जो गाड़ी के अंदर अच्छी है, दैट इज़ जो इसका स्पेयर टायर है स्टेपनी है, वो भी सेम साइज़ की सेम ब्रांड का टायर है, 205/65R16 गुडियर का टायर है, और स्टील रिम बाकी अलॉय व्हील्स जो कि क्वाइट ऑब्वियस आपको दिखाई देती है। और जो पार्किंग सेंसर है गाड़ी के अंदर 4 है। एक चीज़ मतलब सेंसर्स के बारे में मुझे पसंद है, ये थोड़ा नीचे लेवल पे है, यानी कोई अगर पत्थर है, छोटी मोटी कोई चीज़ पड़ी है तो वो इसके पकड़ में अगर नहीं आई तो ये सेंसर पकड़ लेगा, तो इनका लेवल इससे नीचे है, तो ये फ़ायदा मिल सकता है टर्निंग के टाइम पे। ओके, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, दैट इज़ ऑल्सो सेम एज क्रेटा, 50 liters का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। अब जो चीज़ बचती है गाड़ी को लेके वो इसका इंटीरियर है, सीट अपने हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगा, वेलकम फीचर है, और चलो अब बहुत कमाल की चीज़ है गाड़ी के अंदर की गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा शानदार है, पियानो फिनिश काफ़ी चीज़ें काफ़ी, ये पूरा पियानो के अंदर है, ये इधर पूरा पियानो के अंदर है, आपको इधर शायद दिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं एक बार गाड़ी घुमा लेता हूँ। अब देखो ऐसी है चाबी गाड़ी की, लॉक अनलॉक अलार्म का है, देन जो बूट को अनलॉक करने का है, सिर्फ अनलॉक का। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी के साउंड में सुनाता हूँ, 1.5 liter का जैसे मैंने बताया डीजल इंजन है, और अब स्टार्ट करते हैं। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.5 के हिसाब से जो गाड़ी जो है इसका इंजन नॉइज है काफ़ी सही है, ज़्यादा नहीं है कम भी नहीं है, सही कर दिया है। बाकी चलाने के ऊपर इसके NVH जो हैं देखेंगे, नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस जो भी चीज़ें होती है वो मैं देखूंगा। पहली बार जब मैंने गाड़ी अभी अंदर से देखी तो इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि गाड़ी के इंटीरियर बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के दिखाई देने में मैं कह रहा हूँ, बाकी जो इंटीरियर क्वालिटी है ये थोड़ा हार्ड है इसका, मतलब दिखने में ये जो एरिया जितना ज़्यादा अच्छा, जो दरवाजों के ये पैनल हैं ये उतने प्रीमियम नहीं दिखते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे पियानो काफ़ी ज़्यादा, ये पूरा पियानो के अंदर है, अभी किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं आ सकता, लेकिन फिट एंड फिनिश अच्छी है गाड़ी की। अब जिसका टच स्क्रीन है ये भी काफ़ी फ्लूइडिक है, मतलब सही, एकदम सही काम करता है टच में, जब जैसे अगर इसको आप यूज़ करोगे तो यू विल फील लाइक कि काफ़ी स्मूद है। बाकी चलो अब सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, पहले मैं इस यहीं का बता देता हूँ, जो डेड पे जो इसमें डोर मैट्स हैं, सॉरी फ्लोर मैट्स हैं, वो कंपनी के हैं किया के 5200 के अराउंड, ओरिजिनल किया के हैं, लेकिन वहाँ जो डेड पेडल की फिटिंग है कवर की वो इतनी अच्छी नहीं है, तो कभी कभार ऐसा भी लगेगा कि डेड पेडल है ही नहीं, लेकिन ढंग से देखोगे तो है, कवर की फिटिंग उस हिसाब से अच्छी नहीं है। ये जो आप सिलाई वगैरह देखोगे डेड पेडल ढंग से नहीं दिखाई देगा, है हालांकि, और अच्छी जो है साइज आपका फुट प्लेसमेंट हो सकती है। हाइट एडजस्टमेंट का फीचर है गाड़ी में, पीछे मैं दिखाता हूँ, ऐसा कुछ स्पेस है पीछे, रियर एसी वेंट्स है, एक हाई चार्जिंग हाई पावर का USB पोर्ट है, और ये एसी वेंट्स हैं जिनको आप शट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे स्पीकर्स हैं, और मूनरूफ सनरूफ जो भी आप कहोगे इस वेरियंट में नहीं आते, ये कर्टेंस यहाँ पे आते हैं, और बाहर से ऐसी साउंड है गाड़ी की, अब बिल्कुल साइलेंट है, साइलेंट मतलब अंदर जितनी आ रही है ना उससे कम बाहर सुनाई देती है, थोड़ा सा उल्टा केस है यहाँ पे, कुछ गाड़ियों में बाहर सुनाई देगी अंदर नहीं, इसमें बाहर नहीं सुनाई देती, थोड़ा सा अंदर ही आती है। सीट बेल्ट बहुत स्मूथ है, आपको एफर्ट से नहीं लगाने पड़ेंगे, तो इसका मैं ये हटा देता हूँ।
अब सीट मेरे हिसाब से एकदम एडजस्टेड है, और जैसे मैंने बताया था डेड पेडल उतना इस फ्लोर मैट के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। अब गाड़ी घुमा के मैं चला के दिखाऊंगा। कंफर्ट सीट का जैसे मैं हर वीडियो में नहीं बताया हो तो बता देता हूँ कि हर किसी का अलग अलग तरीके का होता है। किसी को कंफर्ट किसी गाड़ी का पसंद आएगा क्योंकि सबकी हाइट, बॉडी वेट, हेल्दी लीन, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको खींच के देखते एक बार, पहले धीरे। थ्रॉटल बहुत ही सॉफ्ट है, और मैं एक बार सीट, अब ठीक है। जो इसका एक्सेलेरेटर पैडल है काफ़ी सॉफ्ट है, ब्रेक पैडल में कोई प्ले नहीं है, कोई साउंड नहीं है, क्लच भी सही हाइट पे है। अब जैसे 110 की स्पीड पे है गाड़ी, फिफ्थ गियर में है, सिक्स्थ लगा दिया, और अब जो थोड़ी हवा की आवाज़ सुनाई देगी, इंजन की सुनाई देगी, टायर्स की नहीं सुनाई देगी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, विंड नॉइज़ आती है, टायर नॉइज़ आती है, इंजन की नॉइज़ आती है। इंजन की अब शुरू के मुकाबले अब कम हो चुके हैं क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी को अब उतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ रहा, टॉर्क की अब यहाँ पर उतनी ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि क्रूजिंग हम कम कर रहे हैं। हवा की थोड़ी बहुत आएगी, परेशान करने वाली नहीं है, लेकिन टायर्स की तो बिल्कुल नहीं है कि टायर आवाज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, गुडियर के टायर है। तो परफॉर्मेंस इस गाड़ी में तो अटरेस अच्छी है, 120 की स्पीड पे है अभी गाड़ी। अब वो तो मैं कह नहीं सकता, इसमें वाइब्रेशन ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। और ये गाड़ी अभी दिसंबर 2021 का मॉडल है और सिर्फ 2052 किलोमीटर चली है, इसकी एक ही सर्विस हुई अभी, ठीक है। क्लासीनेस तो है। सबसे जो बढ़िया पार्ट मुझे लगा इसका इंटीरियर का, ये लगा पियानो फिनिश है, फिर थोड़ा कुछ डॉटेड ऐसे लाइंस का टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। किसी भी गियर, जैसे अभी सिक्स्थ गियर में है, 110 पे है, छोड़ के अचानक अगर रेस दूंगा ना तो फिर भी भागने के लिए तैयार रहती है, वरना काफ़ी गाड़ियाँ क्या होती हैं कि एक झटका जर्क लेके नहीं भागती हैं, धीरे धीरे चढ़ेंगी स्पीड। लेकिन ये 100 पे है, फिर भी अगर 110 पे वो फील होगा कि हाँ फिर भागने को तैयार है, 100 तक तो नहीं रहता है, 110 पे है फिर भागने को तैयार है। तो ये चीज़ इसके पावर डिलीवरी अच्छी है इसकी। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका ब्रेक टेस्ट करेंगे। पहले मैं देखूंगा 80 km/h पे, अभी 90, यार बहुत कम लगती है ना इसमें, 80 पे है, देख लो कितनी शांत लग रही है गाड़ी। अब मैं मार के देखता हूँ, पीछे कुछ नहीं है ना, ऑल फॉर डिस्क ब्रेक। ये पानी, अच्छा गाड़ी की वॉशिंग हुई थी, पानी आ गया था बोनेट से। आवाज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं गाड़ी घुमा लेता हूँ, और इसमें भी वैसे ही है लाइक ह्यूंडई और ह्यूंडई कार्स कि अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग करते हो तो इसके हैज़ार्ड लैंप ऑन हो जाते हैं ताकि पीछे जो ड्राइवर्स हैं उनको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब की बार क्या करेंगे, इसका 100 करूँ 120 करूँ? 100 ठीक है, 100 पे इसका ब्रेक टेस्ट करता हूँ क्योंकि 120 वैसे भी कोई नहीं चलाता, और 120 पे ब्रेक्स का किसी किसी गाड़ी में कोई फायदा भी नहीं है, रुकेगी नहीं, अलाउ ही नहीं करूँगा ना मेरी गाड़ी को 120 पे ब्रेक मारो, अलाउ नहीं करे। चल अब ऐसा करेंगे 100 पे करेंगे, विंडोज में रोल डाउन करूंगा एक बार कि जो एक्चुअल साउंड है वो आपको सुनाई दे, क्योंकि ह्यूंडई के कार्स में ब्रेक्स में बहुत साउंड आती है। i20 का मैंने किया है, वरना का मैंने किया है, इनमें साउंड खूब आती है, अच्छी खासी साउंड आती है। रुकती भी है गाड़ी, सीधी रुकती है, लेकिन साउंड है। टायर्स के निशान देख लेते हैं, रोड पे कोई नहीं है, एक बार उतर के मैं देख लेता हूँ, कोई निशान नहीं है, नाइस। ये जो बाकी हैं किसी और गाड़ी के घुमाने के हैं, लेकिन इस गाड़ी का टायर्स का कोई निशान नहीं है। तो चलो अब इसका बताता हूँ ब्रेक का। 100 पे मैं ब्रेक मारे हैं, साउंड खूब है, ब्रेक पैडल में खूब फील होगा, तो टायर्स के भी साउंड है, ब्रेक के भी साउंड है। टायर्स के निशान रोड पे नहीं है, वो टायर मेक का फ़र्क होता है, लेकिन हाँ आवाज़ करते हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि गाड़ी एकदम स्टेबल है, सीधी है। जो थोड़े दिन पहले मैंने 1.4 लीटर टर्बो का चेक किया था क्रेटा का, वो गाड़ी इतनी स्टेबल नहीं थी, 100 मैंने 85 पे मारे थे, वो थोड़ा सा आगे से इधर उधर हो गई थी गाड़ी, लेकिन ये स्टेबल है। कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ जो डिफरेंस नोटिस किया है, सेम मेक कह लो कुछ भी मान लो उन गाड़ियों का, तो ये गाड़ी तो स्टेबल है। 100 पे मैंने मारे थे,
अब देखो स्टेयरिंग और इन सब चीजों से रिलेटेड बताऊं, स्टेयरिंग फीडबैक अगर मैं बताऊं कि हाँ हाई स्पीड पे हार्ड हो जाता है, ऑब्वियसली बात है कुछ स्टेयरिंग में क्या होता है, जैसे आप हाई स्पीड पे जाते हो तो उसकी सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली जो सिस्टम सेंसर लगते हैं उनकी वजह से कम होती है। उसका मतलब है हाई स्पीड पे जाओगे तो इतना सेंसिटिव, इतना लाइट नहीं रहेगा, हार्ड रहेगा, ठीक है। उसका फोर्स हटा दिया जाता है पीछे से। तो अब स्टेयरिंग फीडबैक ठीक है, अब मैं इसका रिस्पॉन्स बता दूँ। रिस्पॉन्स का मतलब थोड़ा सा भी अगर हिलाओगे तो गाड़ी, स्टेयरिंग रोटेशन अगर दोगे तो गाड़ी मूव होती है नहीं। तो हल्का सा दिया, ये देख लो, ज़्यादा नहीं दिया, बिल्कुल फिर से दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा सीधी है और हल्का सा लेफ्ट को दूंगा, चली गई लेफ्ट में। रिस्पॉन्सिव स्टेयरिंग है ये, बहुत क्लासी दिखता है। और एक और चीज़, इसका बॉनेट आपको नहीं दिखेगा, मैंने हाइट जो सीट हाइट है एकदम नीचे सेट की है। ये जो एजेस हैं जो एकदम शार्प बीच में कर्व्स हैं स्टेयरिंग उसकी बॉनेट की, हुड की, सिर्फ वही आपको दिखाई देंगी जो कि क्रेटा में इससे बेटर दिखाई देता है आपको। जो हुड है वो क्रेटा का इससे बेटर दिखाई देगा, ठीक है, ये डिफरेंस है। बाकी सस्पेंशन का ऐसा हमने सुना है कि क्रेटा से सस्पेंशन जो है सेल्टोस के थोड़े हार्ड हैं, एक सेल्टोस के ओनर ने भी शेयर किया था। बाकी ख़राब रास्तों पे मैं गाड़ी को ड्राइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे वो है भी नहीं ख़राब रोड, ठीक है। बाकी कंफर्ट ठीक है, और बाकी NVH लेवल का मैंने आपको बता दिया है, स्टेयरिंग गियर लीवर ड्राइविंग इन सब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी मैंने आपको बता दी। गियर एकदम सही रीच में है, आर्मरेस्ट एकदम सही प्लेसमेंट है। गियर स्टिक की अगर बात करूँ तो कोई वाइब्रेशन, कोई साउंड मतलब क्या, जब भी गाड़ी मान लो हाई रेव करोगे तो इधर आपको फील नहीं होंगे कि वाइब्रेशन वगैरह गाड़ी कुछ कर रही है, ठीक है। एक बार इसको फर्स्ट से लेके थोड़ा सा हाई एक्सेलरेशन पे लेके चलेंगे, बस आप लोग इसका साउंड पिकअप वो सब ऑब्जर्व कर लेना। इंजन की साउंड आएगी, हवा की जो है वो आपको 100 के बाद आएगी। लीवर्स की कोई आवाज़ नहीं है, अगर मान लो आप ये यहाँ से डीपर मारते हो कुछ और करते हो तो यहाँ पे इनकी साउंड बिल्कुल भी नहीं है, एकदम ज़ीरो। तो अब बताना कमेंट सेक्शन में किसको सेल्टोस पसंद है, किसको क्रेटा पसंद है, किस किस के पास हैं दोनों गाड़ियाँ। सेल्टोस वाले बता देना क्या पॉजिटिव नेगेटिव लगता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा गाड़ी का इंटीरियर लगा, वैसे सही बताऊँ कि अच्छा प्रीमियम लगता है। और 15,15,000 की ओनर को ऑन रोड पड़ी थी ये गाड़ी की कीमत उन्होंने पे की थी। और यही कुछ था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ब्रेक टेस्ट के काफ़ी सारे वीडियोस हैं, थोड़ा सा हिंट मिलेगा गाड़ियों के बारे में कौन सी स्टेबल है कौन सी स्टेबल नहीं है। थैंक यू।